आप मानो या नहीं मानो, एक सलाह देता हूँ कर सको तो, आपकी ये कार्रवाई तो ऐसे चलती रहे। यहाँ के लोकल जितने भी आसपास के 10-15-20 गांव हैं, उनसे बहुत लोगों के पैसे लगे हुए हैं, बहुत लगे हुए हैं सर। उसमें दो दो आदमी, तीन तीन आदमी आपका ही बना के मसला, क्योंकि प्रदर्शन आप कर रहे हो, सही लीड आप करेंगे। अब हमारे जैसे तो आदमी ठीक है, आपको मॉरल सपोर्ट देने के लिए आ सकते हैं, आपकी जो मदद हो सकती है उसके लिए आ सकते हैं, आप कोई बात सुन। लेकिन दो दो आदमी के आसपास की जैसे पड़ोस का गाँव है, डीजा है, क्यों सर है, कुकर है, गाँव में जाओगे आपको पता लग जाए। ऐसे 5-5, 10-10 आदमियों को आप मोबिलाइज करो, और लोकल जो लोग पीड़ित हैं इस बात से फंसे हुए, उसमें कोई दोहरा नहीं, आगे कोई नहीं आ रहा है। या तो उनको ऐसा विश्वास लग रहा होगा कि हमारे पैसे रुक जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, उनको मोबिलाइज करके आप यहाँ के लोकल आदमी जब तक नहीं जोड़ोगे, तब तक आप जिस उद्देश्य से धरना कर रहे हो, धरना सफल नहीं हो पाएगा। दो ही तरीके से धरना आपका सफल हो सकता है, या तो दबाव बने जयपुर में, और या यहाँ पे इतना दबाव बने कि जयपुर से आप जाए, दोनों में से एक काम हो तो आपका सफल हो सकता है। वरना तो सरकार के सामने क्या है, दूसरों के कितने बड़े आंदोलन, कितनी बड़ी संख्या में लोग, उनको ही सरकार ने नहीं सकता। या तो नियत सरकार की खुद की होती तब तक कार्रवाई हो जाती है। सरकार की नियत नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए साबित होता है कि सरकार की नियत नहीं है। सरकार की नियत और सरकार की नियत नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई सरकार के में शामिल लोग हैं, उनका या तो हित जुड़ा हुआ है यहाँ से, या वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए दबाव बनाना पड़ेगा, या तो आप राजधानी लेवल पे दबाव बने, या फिर यहाँ के लोकल लोग हैं उनको मोबिलाइज करें आप, और करके और उन लोगों का जब समर्थन धीरे धीरे बढ़ेगा तब जाके सरकार की आप इन दोनों में से कोई काम करे। इसमें हम लोग हमारे जैसे लोगों की कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं, क्योंकि ये न्याय की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की उसकी नहीं बात है, बिल्कुल न्याय की बात है। न्याय की बात का साथ देना है, उसमें अनिलाभ नहीं देखा जाता, घाटा नफा नहीं देखा जाता। आप इस तरह से करें तो मेरे ख्याल से कुछ सफलता मिल सकती है। नहीं, हमने आज कोशिश आपको करना चाहिए इस तरह की। गांव में टीम दो आदमी के बना के आसपास के गांव उनको ये कहो, भाई हम तो गलत कह रहे हैं, तब तो हमारे को आप कन्विंस करो, और यदि आप भी पीड़ित हो तो आप भी हमारे साथ आओ, क्योंकि आपकी जो लड़ाई वो भी हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इस लाइन पे आप सोचेंगे ना, जयपुर में यदि आपके हाथ में है तो 100-200-500 आदमी जयपुर जाए, हम सब कुछ नहीं हो रहा। हम 200 के आदमी से हमें 25 दिन हो गया। जयपुर पुलिस ऑफ कमिश्नर लांबा साहब जो ट्रांसफर भी हो गए शायद उदयपुर के, उनके पास हम 10 दिन जाते हैं वकील के थ्रू, तब जाके हमारा झोटवाड़ा थाने में FIR दर्ज। फिर जो जोटवार थाना में जिस बंदे को पकड़ा था उसको हम धोलेरा से खुद जाके पकड़ के लाके थाने में, उसके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसके बाद में हम जाते हैं DG साहब के पास, DG पुलिस हो, वहाँ जाते हैं तो बोला आपका केस SOG में है, बल्कि SOG में केस ही नहीं है। अब आपने चलो वो नहीं कहा, तो आपके दिमाग में कोई एक लाइन ऑफ एक्शन तो होगा कि आप किस तरह से यहाँ बैठे, ये तो है नहीं लेकिन अंधेरे में आप नहीं। बिल्कुल, हमारा ये है कि जितना जब तक हम आराम शांति की 10,000 लोग जब तक हम नहीं जुड़ जाए तब तक हमारी कंटिन्यू चलते रहे। उसके लिए फिर उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि आज तो सभी जैसे नहीं है, आज वो परमिशन मिल जाए उसके बाद थोड़ा रुकता रहा, कार वहाँ बाहर से भी आ रहा है। आज अभी जैसे 5 लोग SP के पास में गए परमिशन लेने के लिए। ठीक है हम सीएम हाउस तक जाके आए सर, 15 दिन पहले सीएम हाउस ये करवाइए। ऐसा आस पास में ऐसा कोई गाँव नहीं है जिससे 100-200-500 परिवार पीड़ित नहीं। कम से कम यहाँ शाम को 10 गाड़ी हो, इनपे माइक सेट लगाओ, 10 गाड़ी हो, और 10 गाड़ी है ना मान के चलो, और उसके लिए मैं आपको सजेशन, इस गांव में आप वार्ड में जाके आपने पहले सभा की है, गांव वालों से आपने समर्थन मांगा है, गांव वाले आपके पास आए हैं, तो उन 10-20 लोग जिस गांव वाले उनके पास जाओ, या उनको उनको कहो कि आप एक एक आदमी हमारे साथ, अगर आप हमारे साथ हो तो। ये हमें जानकारी मिली कि पनलावा ग्राम में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के द्वारा और बड़ी मात्रा में डिपॉजिट्स वगैरह गांव वालों से लेके आसपास के लोगों से, बल्कि
अन्य राज्यों से भी लेके, और वो कंपनी को बंद कर दिया गया। और इसकी चर्चाएं पूरे भारतवर्ष में लंबे समय से चल रही हैं। हमें जानकारी मिली कि बहुत से ऐसे लोग जिनको आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ है, जो पीड़ित हैं, दूर दूर से पंजाब से राजस्थान के हर कोने से यहाँ आए हुए हैं। तो चूंकि एक मानवीयता की दृष्टि से और एक न्याय का साथ देने की दृष्टि से हमने भी हमारा कर्तव्य समझा और हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरी मान्यता ये है कि लगभग एक महीने से ये इस कंपनी के धोखाधड़ी के बारे में अखबारों के माध्यम से, राजस्थान की जो बड़ी पंचायत है विधानसभा, उसमें भी हमारे राजेंद्र जी राठौड़ ने इस मुद्दे को उठाया था। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है, उसमें भी यहाँ के स्थानीय सांसद स्वामी सुमेधानंद जी ने ये मसला उठाया था। तो ये बड़ी से बड़ी पंचायतों में ये मसला उठने के बावजूद जिन एजेंसियों पे किसी भी तरह के अन्याय के बाद न्याय देने की जिम्मेदारी बनती है, जांच की जिम्मेदारी बनती है, सच को बाहर लाने की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की है या फिर अन्य कोई भी एजेंसी, सरकार जिसको उचित समझे, वो एक महीने से कोई भी कार्यवाही नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति में हर एक जागरूक नागरिक के कान खड़े होते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बड़ी संख्या में पीड़ित लोग हैं और उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जब हर जगह मुकदमे दर्ज हो रहे हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि एक छोटे से मुकदमे में तत्काल कार्रवाई हो जाया करती है। तो लोगों को धीरे धीरे मानस में ये बात बैठती जा रही है कि जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो कोई बड़ी मछली या कोई बड़े लोग जो सरकारों में बड़े पदों पर आसीन हैं, उनके हित कहीं इस बात से नहीं जुड़े हुए हैं। मैं कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चूंकि जो परिस्थितियाँ और जो घटनाक्रम हुए हैं उनसे ये बात स्वभावतः हर व्यक्ति के दिमाग में आती है। और यदि ऐसी बात है तो ये बड़ी दुखदायी और अन्यायपूर्ण बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोग और शासन और प्रशासन के लोग इतनी बड़ी संख्या के पीड़ितों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। हम इस धरने के साथ हैं और हमसे जो कुछ की मदद हो पाएगी, इस संघर्ष में जो कुछ हमारा योगदान होगी, इस यज्ञ में जो कुछ हमारी आहुतियाँ होगी, हम देने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।